माई डियर स्टूडेंट आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर थ्री इन क्लास एट, द नेम ऑफ चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन वीडियो नंबर फोर टॉपिक इज प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट थ्री पॉइंट सिक्स में टॉपिक है लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक और एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे के लिए फेवरेबल नहीं है अर्थात प्लास्टिक होगी तो एनवायरमेंट बैड होगा लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज करना भी आवश्यक है अब आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो दो टाइप यानी कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बायोड्रोगेबल और नॉन बायोड्रोगेबल। द सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गनिज लाइक एज बैक्टीरिया फंगी कॉल द बाइड्रोगेबिल सब्सटेंस अर्थात वे सभी पदार्थ जो डिकम्पोजर के द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोज का मतलब रोटन अर्थात सड़ गल जाना ऐसे पदार्थों को तो क्या कहते हैं बाइड्रोगेबिल और बच्चों इसके एग्जाम्पल है पेल ऑफ द वेजिटेबल सब्जियों के छिलके एंड फ्रूट फल फूड स्ट भोज्य पदार्थ जो बच जाते हैं एंड पेपर कागज कॉटन क्लोथ और वूल ये सब बच्चों बायोड्रोगेबल होते हैं जल्दी इनको माइक्रोब सड़ा गला देते हैं और बायोड्रोगेबल कैटेगरी में आते हैं और इनसे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता बच्चों फिर है इसके अपोजिट बल सब्सेंस बच्चो दी सब्सटेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द डिकोजर अर्थात इन्हें सूक्ष्म जीव इजिली डिकम्पोज नहीं कर सकते या तो होते ही नहीं है या होते तो बहुत लंबा समय लगता है बच्चो इसमें कौन कौन चीज आती है टिन आ गया एल्यूमिनियम आ गया प्लास्टिक बैग्स हो गए या प्लास्टिक की और कोई सामान हो गया बच्चों तो इस टाइप की चीजें जो है नॉन सब्सटेंस में आती है अर्थात जल्दी ये सड़ती गलती नहीं है स्टूडेंट अच्छा अब क्या है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनसे पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो इनसे पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन तो होता ही होता है भाई इनसे फाउल स्मेल आना कहीं एक तरह से जहाविए होते हैं और दूसरा यदि इनको बर्न करते हैं तो इनसे पॉइजनस गैसेस इमिट होती हैं जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं बच्चों और कभी कभी जैसे प्लास्टिक की चीज़ों को हमने पानी में डाल दिया तो वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है तो वाटर का पॉल्यूशन भी इससे पॉसिबल है बच्चों अब हमने देखा कि भी प्लास्टिक का यूज़ करना जो है हमारे हेल्थ के लिए गलत है हेल्थ हजार्ड होती है इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए कैसे इससे जो है निपटारा हो बच्चों देखिए ऐसा तो है नहीं कि यूज ही ना करें करें लेकिन वाइजली करें एवॉइड टू यूज द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल एंड यूज कॉटन और ए जूट फॉर शॉपिंग कह रहा प्लास्टिक का जहां तक संभव हो कम से कम यूज होना चाहिए दूसरा यह है कि इसके लिए हम क्या करें कि यदि मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए तुम कॉटन बैग ले लें या जूट बैग ले लें ताकि हमें जो है पॉलिथीन यूज ना करनी पड़े ठीक है तो शॉपिंग के लिए हम जूट या कॉटन आदि का इस्तेमाल करें फिर रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट ये नहीं है कि प्लास्टिक की चीजें जो है खराब हो गई आपने उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया इससे और भी उनको डिकम्पोजिजली होते ही नहीं है इसलिए और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो रिसाइकल्ड होना चाहिए जब भी जंक डीलर आते हैं कबाड़ी वाले आते हैं उनको उन सेल करना करना चाहिए उनको बेच देना चाहिए और वो मैन्युफैक्चर को दे देते हैं मैन्युफैक्चर दोबारा उनसे प्लास्टिक वेयर बना लेते हैं तो ये क्या है रिसाइकिलिंग तो रिसाइकलिंग करना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट का तो इसलिए कौन से हो जाते हैं थर्मो जिनको हीट के थ्रू दोबारा बेंट किया जा सकता है दोबारा मोल्ड किया जा सकता है नहीं, नहीं, उन्हें रिसाइकल इजीली किया जा सकता है अब बात यह है कि रेस्पॉन्बल सिटीजन रिमेंबर द फोर आर प्रिंसिपल अब यह होता क्या है यानी कि चार बार आर आना और हर आर का एक अलग अर्थ होना जैसे तो सपोज फर्स्ट आर ले लीजिए इसका मतलब रिड्यूस यानी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लास्टिक का यूज करें कम से कम यूज़ करें जूट या कॉटन बैग का इस्तेमाल ज़्यादा करें बच्चों दूसरा आर है री यूज़ ये नहीं है कि चीज़ें हमने मान ली कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई वो हमने फेंक दी नहीं उनको पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं तो रीयूज़ किया जा सकता है प्लास्टिक का फिर थर्ड आर है रिसाइकल रिसाइकल आप जानते ही जैसे प्लास्टिक कि कोई चीज़ बनी हुई है खराब हो गई आउट ऑफ यूज है तो उसे मैन्युफैक्चर को दे दीजिए मैन्युफैक्चर दोबारा उनको रिमोल्ड कर देगा दूसरे सामानों में चेंज कर देगा है तो ये रिसाइकल करके भी हम प्लास्टिक का कम से कम यूज कर सकते हैं फिर फिर है रिकवर आर यानी फोर्थ आर जो है इसका मतलब है रिकवर रिकवर का सेंस ये होता है बच्चों कि चीज़ें हमारी यूज़ तो हम करते ही हैं लेकिन कभी कभी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है आउट ऑफ वर्क हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमको मकैनिक के थ्रू या खुद कर सकते हैं तो उसको ठीक कर लेना चाहिए यह नहीं है कि भाई चरासी ख़राब हुई उसको फेंक दिया है यूज़ नहीं किया तो उसको रिकवर ठीक कर लेना चाहिए तब उसको यूज़ कर ले आगे तो इस तरह से हमारा जो है मिनिमाइज यूज़ ऑफ द प्लास्टिक हो जाएगा क्योंकि बच्चों प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट के फेवर में नहीं है इससे पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा और कभी कभी वाटर पोल्यूशन भी होता है तो और मैं आपको भी बताना चाहूंगा वन से three chapter, one से लेकर के थ्री चैप्टर अच्छी तरीके से याद कर लें ठीक है और बच्चों में क्वेश्चन आंसर आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से एक से लेकर तीन तक के चैप्टर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें ताकि जैसे ही खुले पर पेपर हो तो आप इजीली जो है दोबारा आपको इतना उतनी मेहनत ना करनी पड़े और आप इज़ी तैयारी कर सकते हैं इस तरह से ठीक है तो छुट्टी में खाली नहीं बैठें और बेटा अपना काम पूरा करते रहें ठीक है थैंक यू